हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन देशमुख। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको ट्रेविस एम के केस में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड दिया नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालना। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सपोज हमारे पास कोई ट्रेपेज एम है, ये ट्रेपेज एम है सपोज, ठीक है। ट्रेपेज एम में क्या होता है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होती है। सपोज इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। लेट दिस साइड है 20 और ये है 30, सपोज ये है 6, ये है 8। अभी देखो आपके पास दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ये आपके पास नहीं है। अगर आपके पास ये डिस्टेंस हो जाता, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, तो आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते थे। कैसे? उस केस में एरिया हो जाता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेकिन अभी हमारे पास हाइट नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन सबसे पहले हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हम इसको एक बोल देते हैं। तो हाइट निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो आपको क्या करना है, ये जो साइड्स है इसके पैरेलल आपको इधर से साइड निकालनी है, ठीक है। ऐसे तो क्या बन गया, ए बन गया फिर पैरेललोग्राम, इसको हम नाम देते हैं ई। तो ए बी ई डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये 20 तो कितना हो जाएगा 20, और ये बच्चा कितना 30 में से 20 के 10 बचे, हाँ ये हुआ है 10। सिमिलरली ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम हाइट निकालेंगे, और जो हाइट मिलेगी वो इसमें पुट करेंगे। अभी इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमारे पास तो हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका एरिया हेरॉन्स फार्मूले से निकालेंगे। आपको पता है हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। जहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो चलो हम यहाँ से एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, पहले एस निकाल लेते। एक्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा ये 10 + 8 = 18 + 6 = 24। सो 24/2 हो जाएगा 12। तो देखो सेमी पेरीमीटर हमको मिल गया 12। अभी हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, सो हमको एरिया मिल जाएगा, सॉरी एरिया क्या मिल जाएगा, पहले हम एस कितना मिला 12 इंटू 12 माइनस ए हो गए पहली साइड 6, देन एस माइनस बी मतलब दूसरी साइड, बाद में s माइनस सी मतलब तीसरी साइड, दैट इज 12 - 10। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 में से 6 गए 6 इंटू ए 4 इंटू ए कितना, ये हो जाएगा 2, राइट। चलो यहाँ से हमको एरिया मिल जाएगा, तो एरिया विल बी, पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे, राइट। तो एरिया हो जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ, हाँ ये कितना हो जाएगा, देखो 12 × 6 = 72 इंटू ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो यहाँ से एरिया हो जाएगा 8 × 2 = 16 कैरी 1, 8 × 7 = 56 + 1 = 57। तो एरिया हो जाए, हो गया अंडर रूट ऑफ 576। अभी 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। इसका मतलब एरिया मिल गया हमको 24 यूनिट स्क्वायर जो भी है, मतलब हमने पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब इसी एरिया से हम ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल का अनदर फार्मूला, ठीक है। तो क्या है फार्मूला, एक मिनट ना, हमारा एरिया कितना मिला 24, चलो यहाँ पे लिख दिया। तो अभी ट्रायंगल का अलग फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है फार्मूला, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी एरिया हमको कितना मिला ट्रायंगल का, 24, हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट, राइट। तो यहाँ से 2 × 5 = 10, तो हाइट हमको मिल जाएगी, ये 5 इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा 24/5, दैट विल बी 5 × 4 = 20, कितने बचे 4 बचे, 5 × 40, सो 4.8। तो हाइट हमको मिल गई बच्चों 4.8। नाउ इजीली हम यहाँ पे पुट करेंगे हाइट और हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट हम इधर पुट करेंगे, अभी कितने हैं हमारे 4.8। तो चलो अभी हम देखते हैं, हाँ देयरफॉर अभी हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड 20 और 30, तो उसकी सम मतलब एडिशन, इंटू हाइट, हाइट कितनी आई थी हमारी 4.8। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ये हो गया 50,
ये हो गया 4.8, राइट। सो 225 जा 50, सो ये हो जाएगा 25 इंटू 4.8, राइट। सो 25 जा 200, कैरी 20, 25 जा 100, 100 प्लस 20 120, डेसिमल पॉइंट एक के बाद, तो कितना आ गया हमारा एरिया 120 यूनिट स्क्वायर, जो भी अगर मीटर में साइड तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन साइड दिया नहीं है पैरेलल साइड, तो भी आप निकाल सकते हो। पहले क्या करना, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेना, बाद में इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। वो जो एरिया आया उसके बाद हम फिर से एक नया फार्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल का, 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे हाइट मिलेगी और हाइट हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन हाइट इज नॉट गिवन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे आपको कुछ डाउट है तो उस कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो रुकते हैं यहाँ पे, टेक केयर, बाय बाय।